नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास डिश टीवी है और डिश टीवी में आपको सिग्नल वगैरह चेक करने में प्रॉब्लम होती है, यदि आपको उसमें रिचार्ज नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि डिश टीवी में आपका रिचार्ज नहीं है, तो इसमें समस्या ये आती है कि इसमें आपका जो है तो सिग्नल देखने में समस्या होती है। कुछ ट्रांसपोर्टर में सिग्नल नहीं होते हैं और सिग्नल न होने के कारण समस्या ये हो जाती है कि इसमें सिग्नल कितने रिचार्ज करने के बाद इसमें सिग्नल बनाना पड़ेगा या फिर सिग्नल पूरी तरह सेट है, तो कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ कि कैसे आपको सिग्नल को चेक करना है और चेक करने के बाद आपको कैसे सही कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए यदि आपके बॉक्स में कुछ इस तरह से बता रहा है तो आप उसको सिग्नल को चेक कर सकते हैं, और आपके इसमें नो सिग्नल नॉट फाउंड बता रहा है तो आप उसको कैसे सही करना है। तो आपको डिश सेट को करना पड़ेगा और डिश सेट करने के बाद आप पूरी तरह से उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिग्नल चेक करने के लिए आपको ब्लू बटन प्रेस करनी पड़ेगी अपने रिमोट से, और रिमोट से जैसे ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इसमें आपको येलो बटन ट्रांसपोर्टर चेकिंग करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको जो ट्रांसपोर्टर होगा तो येलो बटन प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर सभी ट्रांसपोर्टर चेक करके आपको बता देगा जिसमें आपको सिग्नल होगा, और जिसमें सिग्नल आपका नहीं होगा तो उसमें आपका ट्रांसपोर्टर जो होगा तो ट्रांसपोर्टर आपको उसमें रेड कलर का बताएगा। तो सिग्नल आप जैसे देख सकते हैं कि 81 से 83 के करीब आपको इसमें पड़ रहा है। कुछ में सिग्नल क्वालिटी कम है, कुछ में ज़्यादा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा जो सिग्नल क्वालिटी जो है तो कुछ ट्रांसपोर्टर में जो आपका है तो 12 40 3 और हॉरिजॉन्टल 43,000 में आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है। एक मीन्स मेरा सिग्नल नहीं आ रहा है, और कितने ट्रांसपोर्टर में सिग्नल नहीं आ रहा है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिश टीवी का सिग्नल वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपका सिग्नल पूरे प्रॉपर तरीके से पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और कितने ट्रांसपोर्टर का सिग्नल मिल रहा है और कितने ट्रांसपोर्टर का सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपने डिश टीवी में ट्रांसपोर्टर चेक करके आपको सिग्नल क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, और कितना सिग्नल आपको मिलता है वो भी आपको इस वीडियो से जानकारी मिल जाएगी। तो ट्रांसपोर्टर इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने डिश टीवी में। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।